अर्जुन को कहते हैं कि भूत पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूत पूजा को आप प्राप्त होते हो, उसी भूत को आप प्राप्त हो जाते हो। तो जो घर में आप पितृ पूजते हैं वो भूत पूजा कहलाती है। आया समझ में? इसलिए पितरों को पूजना नहीं चाहिए कदापि, क्योंकि अगर आपने पितरों को पूजा तो भगवान उनमें आपकी श्रद्धा को फिट कर देंगे, स्थापित कर देंगे, तब आप ना इधर जा पाओगे ना इधर जा पाओगे, मर के भूत ही बनोगे, यानी कि उसी श्रेणी में आप भी रहोगे जिस श्रेणी में वो है। ठीक है ना? इसमें भी नहीं रह रखे, इसमें में भी नहीं रह रखे, क्या मैं समझा? कुछ लोग फोके इसमें लगा देते हैं। नहीं, उससे मतलब नहीं है। फोटो तो आप अपने माता पिता की रख सकते हैं, फोटो से कुछ नहीं होता जाता, बात तो पूजन से है ना। सवेरे शाम जो पूजन करते हैं, आरती बजाते हैं, घंटी करते हैं, राजस्थान में तकरीबन ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए आगे जाके कष्टदायक होने वाली होती है। जय शंकर। चाय दे भाई, चला देना पंखा, चाय दे। जैसे अब करौली जाते हैं, उसके गुरु का पूजन करते हैं राधा रमन का, वो भूत पूजा है भाई, और वो प्रेत ही है अभी, प्रेत अवस्था। जब आप हमारे यहाँ किसी भी आदमी से पूछो, किसी की भी दृष्टि खुल रही होगी, वो एकदम से देखते ही बता देगा, वो अपने गुरु को घुसाता है आदमी के अंदर और उसी से पलटी दुआ देता है। और वो सबके अंदर नहीं घुस पाते, किसी किसी के अंदर वो भी नहीं घुस पाते अंदर, आदमी के प्रेत ही इतना ताकतवर होता है कि वो उसमें आ ही नहीं सकते। बोलो जय शंकर। माता पिता की फोटो की तो मैंने बात ही नहीं की ना, फोटो सबकी रखनी चाहिए, आरती पूजा पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर में टंगा देते हैं, सारा पितरों की पूजा करते हैं सारा। जैसे पितर होते हैं घर में, हम कलश भर के रख देते हैं, यही तो दिक्कत है, वो नहीं रखना चाहिए। पितर घर में नहीं होते, पितर तो पितर लोक में होते, सही लोग होते हैं वापस के टाइम। भाई राम के पिता चले गए, चल बसे, राम को कहाँ दिए, दिखाई दिए पता है आकाश में, तब आके उन्होंने अपना भोग मांगा, ठीक है ना, दशरथ ने, तब राम ने उनको तर्पण किया, भोगार्पण किया, तब जाके उनकी शुद्धि हुई, तब भी वहाँ भी शुद्धि हो रही है, ये देखिए, तब जाके उनकी तृप्ति हुई। जैसे आप राजस्थान में कह रहे हैं, तो राजस्थान में ये आप 100% सही कह रहे हैं कि सब लोग उसे घर में अपने कलश ले लेते हैं, वो तो करते ही हैं, वो तो ये भी चाहते हैं हमारे अंदर आए और हमारे सर घूमे और हम कुछ देख के बताएं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, स्थापित हो जाएंगे आप, वही बन जाएंगे, मर गए।